है या जो भी प्रोडक्ट है उसमें जीएसटी जो है वो लागू नहीं है, उसका विरोध कर रहे हैं वो बार बार, क्या कहेंगे? देखिए, इस सारे मामले को हमने केंद्र के साथ उठाया है और केंद्र इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है। हमने कहा कि जो हॉर्टिकल्चर की जो हमारी कुछ एक जो आइटम्स हैं और पर्टिकुलरली अभी जो जिस इश्यू को लेकर के वो ज़्यादा डाल रहे हैं शोर, उसमें जो हमारे जो पैकेजिंग का जो हमारा बॉक्स है और बॉक्स से संबंधित और चीज़ें हैं, उसकी कीमतें पिछले दिनों में काफ़ी बढ़ी है, पिछली तुलना में बढ़ी है। तो उस दृष्टि से इन सारी चीज़ों को हमने कहा है कि इस पर विचार किया जाए और हम इस मामले को दोबारा भी केंद्र के साथ टेकअप करेंगे, कोशिश करेंगे इसमें हमको केंद्र से राहत मिले। सर, इतने लंबे समय के बाद सर अनिल शर्मा जी का उद्घाटन और शिलान्यास पट्टिका का नाम देखा सर, क्या? नहीं तो अनिल शर्मा जी जब आते हैं तो वैसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि अनिल शर्मा जी हमारी पार्टी के विधायक हैं, अलग कार्यक्रमों में एक बार नहीं अनेक बार आना होता है, आपका कैमरा उस तरफ नहीं जाता होगा, लेकिन वो हमारे विधायक हैं और इस बात को लेकर के आज के इस कार्यक्रम में आए क्योंकि मंडी विधानसभा के अंतर्गत ये कार्यक्रम थे तो स्वाभाविक रूप से उनका आना हुआ और हमें अच्छा लगा। सर, मंडी शिलान्यास और ये किया सर, उद्घाटन किया सर उसके बाद? आज मुझे इस बात की खुशी है कि मंडी शहर के अंदर जो महत्वपूर्ण योजनाएँ थी जिसमें एक MCH की बिल्डिंग जिसका विधिवत उद्घाटन हुआ, 100 बिस्तर की कैपेसिटी उसमें रहेगी और उसके साथ साथ में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जो सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड हैं वो सारी चीज़ें इस MCH के भवन में 7 मंजिला भवन बन करके तैयार हुआ है और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। मंडी जिले के अंतर्गत 2 MCH, एक सुंदरनगर में लगभग 13 करोड़ की लागत से वो पहले ही हमने डेडिकेट कर दिया, पूरा भवन बन करके तैयार होकर के वो अपनी सेवा दे रहा है और यहाँ मंडी का MCH का भवन जो है वो बन करके अब तैयार हुआ है तो आज उसका उद्घाटन किया, बहुत जल्दी यानी कि 2 दिन के अंदर वो फंक्शनल हो जाएगा, फंक्शनल यानी कि पूरा खुली वो फंक्शनल होकर के वो सेवाएं देना शुरू करेगा। उसी तरह से अनाज मंडी की एक बहुत लंबे समय से मांग थी, इसके फॉरेस्ट की क्लियरेंसेस के इश्यूज के कारण विलंब जरूर हुआ लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि 30 करोड़ की लागत से लगभग ये शिलान्यास हमने अनाज मंडी का किया और मंडी शहर के लिए एक बहुत बड़ी एक सुविधा उस दृष्टि से आने वाले समय के लिए होगी जिसके लिए व्यापार मंडल के साथ साथ में लोग भी सभी लोग इसकी मांग कर रहे थे। सर, बार बार एक बात सामने आई है, चुनाव सर पर है और विधायकों और मंत्रियों की टिकट कटने की बात सामने आई है, चर्चाओं में रहती है, चुनाव कट रहे हैं सर? टिकट जो है वो चुनाव के दिनों में ही कटते हैं और मिलते हैं, इसलिए मंत्री की टिकट है कटने की, ऐसा तो नहीं मुझे खबर है, आपके पास होगी तो बता देना भाई।